दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ इडली मसाला फ्राई। बहुत ही फटाफट और टेस्टी रेसिपी है ये। टमाटर और प्याज के मसाले में इडली बनाई जाती है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल फूड लव को सब्सक्राइब करें। इसे बनाने के लिए कढ़ाई गरम करें और उसमें डालें 2 बड़े चम्मच बटर। तो ये रेसिपी बटर में ही बनाएं, क्योंकि बटर का जो फ्लेवर है वो इडली में जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बटर में बनाएं। बटर को मेल्ट होने दें और उसमें डालें 1/2 छोटा चम्मच राई। राई को चटकने दें। उसके बाद डालें ताज़ा करी पत्ता और करीब आधा कप फाइनली चॉप प्याज, 1/3 कप फाइनली चॉप टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक, नमक डालें स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी करीब 1/4 चम्मच, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी तीखा आपको पसंद हो। थोड़ी सी हरी मिर्च, मैंने करीब 2 हरी मिर्च डाली हैं, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिला लें सबको अच्छे से और करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने दें। तीन से चार मिनट बाद प्याज और टमाटर बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, टमाटर प्याज का मसाला ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे इडली। तो ये मैंने इडली को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो साबुत इडलियां भी डाल सकते हैं। मिला लें अच्छे से इन सबको और करीब 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, ताकि ये जो मसाला है इडली अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। और इसे हल्के हाथ से चलाएं ताकि जो इडली है वो टूटे ना। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट में डालें बारीक हरा कटा हुआ धनिया। मिला लें एक बार और अच्छे से। तो बस आपकी इडली मसाला फ्राई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही फटाफट बन जाता है, बहुत ही टेस्टी है। इसे आप चटनी के साथ सर्व करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फूड लव को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।